salt is increased. Sorry, gotta go. Double G, double P. Sorry. Fortnite, let's go. I get it all night for sure. I'm on Fortnite, Fortnite, let's go. ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरे चैनल फायर विद एमके। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलना। और गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। और गाइस आज जो की बात है हमारे सपोर्टर का, तो आपको अगर नीचे कमेंट कर देना हैशटैग सपोर्टर एमके अगर आप फायर विद एमके के सपोर्टर बनना चाहते हो तो। और हमारे आज के सपोर्टर हैं ये। तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक न्यू अपडेट एंड लीक्स। तो गाइस फाइनली मुझे सारे अपडेट के लीक मिल चुके हैं। मैं आपको ये वीडियो कल ही डालना चाहता था लेकिन आज डाला है क्योंकि मेरे को आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने आज डाल रहा हूँ ये वीडियो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कुछ बातें जो कि हैं इसी के बारे में, जो न्यू अपडेट आने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा जो न्यू कैरेक्टर आ रही है, फीमेल कैरेक्टर है ये जो आ रही है फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स में, इसका नाम है भाई मोको, मोको या फिर मानिया इसका नाम होगा। और ये अपडेट न्यू अपडेट में आने वाली है। तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है ये भी, जो कि मैंने आपको इसका गेम पे शुरुआत में बताई दिया है। तो गाइस ये जो न्यू कैरेक्टर है, अब आप पूछेंगे इसका एबिलिटी क्या है। तो इसका एबिलिटी मेरे को अच्छा सा लगा, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बताओ क्यों? क्योंकि भाई जो कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका एबिलिटी है जो बंदे नॉक होते हैं ये उसका पता लगा लेती है। जैसे कि मैंने उसको किसी भी बंदे को आपको मैंने नॉक किया और मैं पता लगा सकता हूँ कि भाई मैंने उसे कहाँ नॉक किया है। तो जो आपका यूएवी रिडार होता है वैसे उस तरह का काम करेगी, लेकिन जब तक वो बंदा रिवाइव नहीं होता जब तक ये उसका लोकेशन बताएगी। तो इस यहाँ पे जैसे कि आपको वो पहले जो जॉम्बी मोड आया था उनका जॉम्बी का लोकेशन वो बताते थे रेड डॉट्स में, तो यहाँ पे बड़े बड़े रेड डॉट्स में जो नॉक बंदे हुए होंगे उनका लोकेशन बताएगा। तो ये भी मेरे को अच्छा सा लगा क्योंकि मज़ेदार होगा, क्योंकि न्यू कैरेक्टर तो अच्छा है काफ़ी। तो अब बात करते हैं सेकंड चीज़ के बारे में। तो एक न्यू फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा न्यू अपडेट के बाद, और ये जो फेस्टिवल है इसमें आपको कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे कई सारे, और आप इन्हें कलेक्ट करते रहना। तो इन्हें कलेक्ट करना है आपको, सिंपल सी बात है, न्यू रिवार्ड मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो काफ़ी बड़ा जो अपडेट आने वाला है बिगेस्ट अपडेट के बारे में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं रेंज में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी जगह चेंज होने वाली है पूरी। यहाँ पर जैसे कि वहाँ पे पहले वॉश टंग था कुछ इस तरीके से था, वहाँ पे इस समय अब क्लॉक टावर कर दिया था इन लोगों ने, तो इसी तरीके से ये लोग चेंज करने वाले हैं यहाँ पे। और हमें लाने वाले हैं एक न्यू जगह, उसका नाम तो अब तक इन्हें डिसाइड करा नहीं है, लेकिन रेंच शायद रेंच ही हो, लेकिन न्यू जगह आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे, मैं आपको इमेज बता देता हूँ। और यहाँ पर एक न्यू जगह आने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी वो न्यू जगह भी। तो देखना बनता है यार क्या क्या होने वाला है इस न्यू अपडेट के बाद, काफ़ी सारे चेंजेस होंगे मेरे ख्याल से। तो अब गाइस अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट चीज़ के बारे में, क्योंकि मैप के बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। और यहाँ ये जो चेंज होने वाले हैं रेंज में होंगे बिल्कुल, जो न्यू जगह होने वाली है। तो यही थे आज के लीक्स, और भी मैं आपके आगे चलता हूँ। तो भाई नेक्स्ट मूव करते हैं अपन न्यू ग्रेनेड स्किन। तो एक न्यू ग्रेनेड स्किन आने वाला है जो कि नोवा का स्किन है। जो न्यू ग्रेनेड स्किन है ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मज़ेदार होगा, जो कि ये जो स्किन है मेरे को अच्छा लगा, ठीक ठाक है यार, नोवा स्किन है ले सकते हो आप। जो कि ये कैसे आता है ये पता लगेगी हमें आगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन न्यू लीक का। तो न्यू लीक का बात करें तो डोर्स, अब एक काफ़ी बड़ा सवाल मतलब घूमता है कि डोर्स अब किवाड़ आप खुद जानते हो, डोर्स यहाँ पर आपको होते ही हैं, आपने देखा होगा पबजी बैटल ग्राउंड्स में और कई सारे आपने सर्वाइवल गेम्स में डोर्स देखे होंगे, जिसकी अगर आप जाते हो तो आपको डोर्स देखने को मिल जाते हैं अंदर घरों के अंदर। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो जी मैं भाग रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक डोर्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस अपडेट के बाद श्योरिटी नहीं है, लेकिन मे भी अगर मैं बात करूँ तो मे भी डोर्स देखने को इस अपडेट के बाद आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है, लेकिन उससे गेम क्या होने वाला है, थोड़ा सा फास्टर जो अपना गेम प्ले है, जो अपना गेम है फास्टर है, लेकिन इस समय उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। अगर डोर्स वोर्स आ जाएंगे तो उन्हें ओपन करने वगैरह वाला थोड़ा बहुत सेकंड्स कम हो सकते हैं। तो ये हो सकता है अगर फास्टर गेम प्ले रहे तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि फ्री फायर का फास्टर गेम प्ले ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
अब न्यू बात करते हैं तो भाई दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। इसकी श्योरिटी नहीं है लेकिन इसकी मैं 60% चांसेस से कह सकता हूं कि पबजी ऐसा ही गेम करना चाहते हैं। और यहां पे ये लोग क्या ला रहे हैं, न्यू FPP मोड ला सकते हैं ये लोग। FPP मतलब फर्स्ट पर्सन वाला। तो आपने देखा होगा पबजी में सिर्फ स्क्रीन दिखता है, जो आपका मेन प्लेयर होता है वो देखता है, आपको पूरा स्क्रीन दिखता है, लेकिन जो आपका ये जो बंदा होता है वो आपको नहीं दिखता। तो FPP मोड भी आ सकता है इस अपडेट के बाद। तो वैसे श्योरिटी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ तक कहना है कि भाई मैंने ऐसा सुना है सिर्फ कि आ सकता है, अभी पॉसिबिलिटी का कुछ नहीं कह सकता। और यहाँ पे एक GM रैमी ने मुझे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताऊँ तो मुझे एक लीक दिया था यहाँ पे, आप सभी को दिया था मतलब, तो लीक यहाँ पे मिला था एक बैन हैमर आ रहा है, और जो इनविजिबल हैक है वो उसे हैक माना जाएगा, वो जो बग है उसे आप ट्राई करोगे तो आप बैन हो सकते हो। यहाँ पे अच्छे से ट्रीट करेगा जो गैरिना वाले। और अब बात करते हैं तो बैन हैमर, आपने देखा होगा यहाँ पे एक न्यू, पहले एक वो आया था, क्या कहते हैं अपन उसे, बैट आया था पहले यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक बैन हैमर। पहले प्रैंग और पैन होता था, लेकिन अब आपको फोर्थ चीज़ और ऐड होने वाली है बैन हैमर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये जो बैन हैमर है ये भी न्यू ऐड होने वाला है गैरिना फ्री फायर पे। इसकी भी यहाँ पे GM रैमी ने कहा है, देखो क्योंकि मैं इसके लिए इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि GM रैमी ने हमसे कहा है कि हम बैन हैमर ला रहे हैं। तो ये जो न्यू चीज़ आ रही है तो देखना बनेगा बिल्कुल गाइस कि न्यू अपडेट काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है इसी के साथ। और अब आप पूछोगे भाई ये अपडेट कब तक आएगा, तो ये अपडेट का देखो श्योरिटी मैं अभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने एक बात नोटिस करी है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा जो आपका लक रॉयल है उसके अंदर जो गोल्ड रॉयल होता है, तो वहाँ पे जो न्यू गोल्ड रॉयल आता है उसी के साथ न्यू अपडेट आता है। मैंने इस बात पे फोकस किया है, अगर आपने इस बात पे फोकस नहीं किया हो तो एक बार करना इस बात पे फोकस, जो कि न्यू गोल्ड रॉयल के साथ न्यू अपडेट आता है। तो इसी बात का फोकस मेरे को रहता है, तो शायद ये अपडेट आपको 4 दिन बाद देखने को मिलेगा, करेक्ट 4 दिन बाद देखने को आपको मिल जाएगा ये अपडेट। तो देखना बिल्कुल बनेगा कि भाई न्यू अपडेट काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा खेलने में मज़ा आने वाला है। और उन्हें एक बात और कही है कि हम पिकर एनिमेशन डालेंगे। तो पिकर एनिमेशन आपको बता दूं क्या होते हैं, पिकर एनिमेशन ये होता है कि भाई अगर आप कुछ भी चीज़ें उठाते हो तो वहाँ पे आपको ऐसे कुछ बैठ बैठ के आप उठाते हो ना, तो कुछ बैठ बैठ के वो वाले पबजी में जैसे एनिमेशन होता है कुछ भी चीज़ उठाते हो तो वैसे बैठ बैठ के, तो वो वाले शायद एनिमेशन डाल सकते हैं ये लोग। और डोर्स का मैं क्यों बताऊँ, लेकिन आपने जो गैरिना ने एक वीडियो डाला था डोर्स के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूँ ये जो न्यू मोड आया था ना आपका जो वो ग्रेनेड लॉन्चर वाला, उसके अंदर आप देखो यहाँ पे वो जो हमारा रोबोट आता है वो सीधा गेट तोड़ता है। तो ये इसलिए मेरे को यहाँ पे ज़्यादातर लग रहा है कि भाई डोर्स भी आने वाले हैं गैरिना फ्री फायर के अंदर, तो अभी पता लग जाएगा इस अपडेट के बाद में। तो मैं भी 4 दिन और मैं इंतज़ार करता हूँ, अगर मेरा अंदाज़ा सही रहा तो फिर तो बहुत सही चीज़ होने वाली है, मज़ा आएगा इस अपडेट के बाद में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ठोको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, शेयर कर दिया करो, कुछ नहीं जाता। और सब्सक्राइब तो कर ही देना क्योंकि हमें 500 का गोल पूरा करना है जल्द से जल्द, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ ऐसी मस्त सी अगली वीडियो में गाइस, टिल द टाइम बाय।